को पता है व्हाट्सएप हो चुका है बंद, और क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ है, और कैसे चलाइएगा आप व्हाट्सएप, और मेरे साथ क्या क्या परेशानी हुआ, ये सब चीज इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि बंद क्यों हुआ और कैसे अभी चलाना पड़ेगा, और क्या आपको रिस्पॉन्स आ रहा है व्हाट्सएप चलाने में, मिस्टेक क्या हो रहा है और क्या क्या गड़बड़ी हो रहा है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले पहुंचेंगे आप तक। तो दोस्तों सबसे पहले ये बता देते हैं कि व्हाट्सएप का जो सर्वर है इसको किसी ने हैक कर लिया है, बस यही मेन मुद्दा है। और लेकिन कैसे चलाइएगा और क्या क्या परेशानी हो रहा है, तो चलिए हम चलते हैं डिस्प्ले पर और आपको दिखाते हैं कि कैसे हम चला रहे हैं और कैसे क्या परेशानी आया और कैसे कैसे हम यूज किए और कैसे अभी क्या परेशानी आ भी रहा है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं व्हाट्सएप है ये मेरा, और व्हाट्सएप को हम करते हैं ऑन, ठीक है। तो ये देखिए जैसे ऑन कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर जिसका जिसका मैसेज है सबका मैसेज आ रहा है, आया है पहले ही, हम इतना मैसेज को रीड नहीं कर पाए हैं। तो अब हम सबसे पहले कोई भी व्हाट्सएप को ऑन करते हैं, ऑन करते हैं, इस पर कुछ भी मैसेज लिख करके दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे हाई लिख करके भेज दिए, तो भेज तो दिए हम, जबकि मेरे पास नेट भी है और सब कुछ है, लेकिन ये मैसेज रीड नहीं हो रहा है और मेरे यहाँ से जा नहीं पा रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है, अभी जैसे ही आप व्हाट्सएप को सबसे पहले ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपके पास आएगा अपडेट करने के लिए, 29 डे लिखा हुआ आएगा और आएगा कि अपडेट कीजिए, और अपडेट जैसे करते हैं तो अपडेट में कुछ भी नहीं होता है, ऑन नहीं होने लगता है। फिर जब हम क्लियर सब कुछ करके, क्लियर करके, क्लियर कैसे करते हैं, इसे जैसे सबको हटा दिए, इसे हटा हटा करके सबको खत्म कर दिए, करने के बाद फिर ऑन करते हैं तो सबका मैसेज हमें रीड हो जाता है, ठीक है। लेकिन सबका मैसेज हम देख सकते हैं क्या कौन क्या भेजा है, लेकिन हम जैसे किसी को कुछ भेजना चाहते हैं तो देखिए कुछ भी किसी को अगर भेजना चाहते हैं तो ये मैसेज जा नहीं रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या है ये बता देते हैं आपको सबसे पहले। तो जैसे कि हम लोग को समझ में आ रहा है और सुनने में आ रहा है बहुत ज़्यादा, आपको क्या सुनने में आ रहा है आप भी जरूर बताइएगा हमें। हमें जैसे सुनने में आ रहा है कि अभी इसका जो है सर्वर को हैक कर लिया गया है और पूरा दुनिया परेशान है, क्या आप भी इससे परेशान है, और आपको क्या लगता है क्या ये जल्दी से ठीक होगा, या फिर आपको क्या लग रहा है कि बहुत ज़्यादा समय और लेने वाला है ये। तो दोस्तों इस वीडियो में ये आपको बताना जरूरी है, आपको क्या लग रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, कैसे आप देख रहे हैं व्हाट्सएप को। व्हाट्सएप जैसा है, फेसबुक जैसा कंपनी, ट्विटर जैसा कंपनी, ये सब कंपनी अगर हैक हो जाता है तो हम और आप क्या है दोस्त, हम हमारा आपका क्या अस्तित्व रह जाएगा। तो आप लोग को कमेंट में जरूर बताना है, और जैसे ही कोई पुख्ता सबूत और पुख्ता अपडेट आता है मेरे पास तुरंत हम आप लोग को बताएंगे कि हाँ कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, क्या परेशानी है। अभी जो आपको समझ में आ रहा है आप जरूर हमें भी बताइए, हम भी परेशान हैं व्हाट्सएप को लेकर के दोस्त। थैंक यू, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो के साथ।